नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता अप्रैल बिल पास 4500 रुपये, तो वेरीफाई फॉर्म अप्रूव प्रोसेस की गुड न्यूज़, और इसी के साथ आज की पेमेंट अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते जुड़ी जो भी नई अपडेट आती है उन सब की जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो दोस्तों, वो सबसे पहले अब अप्रैल बिल पास फॉर्म अप्रूव्ड और बेरोजगारी तो भत्ते के अलावा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की डेट के अंदर एक आर्टिकल आया तो बेरोजगारी तो भत्ते से न्यूज़ आई है, उसको आप एक बार तो वो देख लीजिए। इसके अंदर बताया गया है कि 3 महीने का नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता, तो बेरोजगारों के भत्ते पर रोक। और इसके अंदर ये तो पत्रिका न्यूज़ की आई है झुंझुनू प्रदेश में, तो बेरोजगारों को मिल रहे भत्ते को लेकर अब असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी है। कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कई जिलों के बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पाया, जबकि भत्ते के सिलसिले में अधिकारियों का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता अटका नहीं है, योजना में बदलाव किया जा रही है। जानकारों की माने तो भत्ते के लिए अब राज्य सरकार नई शर्तें और नियम लागू, जिसके तहत बेरोजगारों को अब घर बैठे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए उन्हें कई मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए स्किल एंड डेवलपमेंट कोर्स करने होंगे। यदि तब भी उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तब जाकर सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। नए बदलाव के अनुसार तो बेरोजगारी भत्ते में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की जाने की तो प्रबल संभावना है। अब लड़कियों को 4500 और लड़कों को 4000 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। ऐसे में अब भत्ते योजना में बदलाव की बात की जाए या फिर बजट का अभाव प्रदेश के 1,60,000 के करीब भत्ता ले रहे बेरोजगारों पर चिंता की लकीरें उभर रही, यानी कि रोजगार तो कार्य वालों का वो कहना है कि तो बेरोजगारी भत्ता अभी तो अटका नहीं है, तो बेरोजगारी भत्ता में नया तो बदलाव वो किया जा रहा है, इसी कारण तो बेरोजगारी भत्ता आने में अभी वो थोड़ा और समय लगेगा। अब बात करते हैं अप्रैल बिल पास दोस्तों, जिस प्रकार आज की डेट के अंदर आया है कि अब इंटर्नशिप तो योजना आएगी 100% दोस्तों, अब आपकी इंटर्नशिप योजना आएगी, अब आपको तो घर बैठे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, आपको इंटर्नशिप योजना वो करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अप्रैल का बिल पास आपका जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसके अलावा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इंटर्नशिप का, और आपके तो फॉर्म अपलोड भी हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के अंदर सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को थैंक यू, जय हिंद।